हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजयज होम किचन। में आपकी दोस्त नैंसी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र का बहुत ही स्पेशल स्ट्रीट फूड, बोल सकते हो वहाँ शादियों में भी मिलती है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस, बहुत ही टेस्टी महाराष्ट्रियन स्टाइल में बैगन मसाला, वहाँ का बहुत ही फेमस है। और जब मैंने बनाया था तो मुझे भी बहुत टेस्टी और अच्छा लगा। और ये रेसिपी मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने, या मैं कहूँ मेरे ही ब्रदर ने मुझे सजेस्ट की थी, तो मैंने तब ये रेसिपी बनाई है। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बन के आई थी और अमेजिंग रेसिपी है, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल मसाला बैगन की रेसिपी और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होगी। वेट, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं और आपको वो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल बैगन मसाला बनाने के लिए। यहाँ पे पहले मैं उसका एक मसाला बनाऊँगी, बहुत ही स्पेशल मसाला है, ध्यान से बनाइएगा और एक एक इन्ग्रीडियंट नोट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं एक ग्राइंडर जार में। उसके साथ मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली भी लिया। अगर आप बहुत स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही ग्रीन चिलीज ऐड कीजिएगा, क्योंकि बाद में कुछ मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी उससे वो डल हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे लिया है मैंने ड्राई कोकोनट, जो घर में हमारा गोला आता है उसे ही मैंने ग्रेट करके ले लिया। आप चाहें तो कट करके भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बाद में जाके ग्राइंड ही होना है। और ये देखिए मैंने एक बड़ा पीस भी डाला है दिखाने के लिए कि आप बड़े बड़े पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक भी ऐड किया है, आप चाहें तो जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक फाइन पेस्ट बना लूँगी इसका। और ये देखिए फाइन पेस्ट बन गया। अगर ये नहीं आपका पिस रहा हो तो आप इसके अंदर वाटर भी ऐड कर सकते हैं और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत स्मूथ सा एक पेस्ट, एक मसाला बन के तैयार हो गया है। तो ये मसाला हम रखते हैं साइड में और स्टार्ट करते हैं अपना मसाला बैगन बनाना। मसाला बैगन बनाने के लिए यहाँ पे मैं कढ़ाई में लूंगी बहुत सारा मस्टर्ड ऑयल। ये रेसिपी मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं, पर स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है तो मस्टर्ड ऑयल या किसी भी तेल में ही बनेगी ये। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बहुत सारा मस्टर्ड ऑयल। उसके साथ ऐड कर रही हूँ जीरा। जीरा मैंने थोड़ा सा ऐड करके देखा था कि हमारा ऑयल हीट हुआ है, नहीं ऑयल हीट हो गया। उसके साथ मैंने 2 टीस्पून यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया। उसके साथ डाला है पिंच ऑफ हींग। हींग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रेसिपीज़ में, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके साथ ऐड कर दिया 2 से 3 फाइनली चॉप अनियंस। अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया, आप चाहें चॉपर होता है उसमें चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ डाले मैंने करी लीव्स। इन्हें बहुत अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी, जब तक इनका अनियंस का कलर चेंज ना हो जाए तब तक आपको इन्हें कुक करना है। और तो जब तक हमारी ये कुक हो रही है तब तक जाइए आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए बातों ही बातों में हमारी अनियंस भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनका कलर चेंज हो गया, इन्होंने ऑयल छोड़ दिया। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसालों में यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर कलर के लिए, उसके साथ जाएगा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके साथ 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड किया, इसके साथ ऐड करा है मीट मसाला। ये ऑप्शनल है, ये मैंने एड ऑन ऐड किया, आप चाहें तो स्किप कर भी सकते हैं, रेसिपीज में ऐड नहीं होता है महाराष्ट्रियन रेसिपीज में। उसके साथ डाला है 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब आप बैगन कुक करेंगे तो बहुत जल्दी गलेंगे नहीं, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, आमचूर पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा। सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का और कोकोनट का, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसे बहुत अच्छे से चला लूंगी, चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। इसे आपको बहुत अच्छे से कुक करना है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको स्लो फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए कुक करना है। और उसके बाद में इसके अंदर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाले के साथ, प्याज के साथ, तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। शायद आप लोगों को भी याद आ गया होगा हम इसके अंदर सॉल्ट डालना भूल गए हैं, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, और सॉल्ट आपके स्वाद के अनुसार। तो ये मैंने ऐड कर दिया, इसे मिक्स कर दिया। और अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 5-10 मिनट्स के लिए, या जब तक ये हमारा ऑयल ना छोड़ दे तब तक हम इसे इस टाइप से कवर करके कुक करेंगे। तो जब तक वो कुक हो रहा है तब तक मैंने इधर बैंगन भी कट कर लिए थे इस टाइप से, छोटे साइज के मैंने 250 ग्राम बैंगन ले लिए थे और इन्हें मैंने कट कर लिया। कट करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो भी थोड़ा सा कुक हो गया है, चला लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने बैंगन अभी कट करे हैं। वो बैंगन ऐड करने के बाद मसाले के साथ बहुत अच्छे से बैगन को कोट कर लेना है, ध्यान से ही मिक्स कीजिएगा, टूटना नहीं चाहिए बैगन। और इसके साथ ऐड कर दूंगी 1/2 ग्लास वाटर। वाटर मैंने उसी में मिक्स करके ऐड किया है जिसमें हमारा मसाला था। भाई मसाला भी तो सारा आ जाना चाहिए ना कढ़ाई में, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारी इंडियन रेसिपीज के अंदर। और इसे बहुत अच्छे से चलाने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप बिल्कुल ही भूल जाइएगा कि आप कोई सब्जी भी पका रहे हैं। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे।
और ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स मैं इसे चेक कर रही हूँ और हमारी बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी ऑलरेडी बन के तैयार है। बट फिर भी अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो बने रहिए रेसिपी में। अभी रेसिपी बनी नहीं है, ये मत सोचिए बन गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हैंडफुल ऑफ हमारे कस्तूरी मेथी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रेसिपी के अंदर, बहुत अच्छा फ्लेवर दे देती है। इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ पीनट पाउडर, मतलब मैंने जो मूंगफली उसे भून लिया था उसके बाद मैंने उसे पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अब मैं इसे फिर से कवर कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। और ये हमने कवर कर दिया तो हमारी रेसिपी बन रही है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से लाइक करना है इस रेसिपी को। और हमारे 5 मिनट्स हो गए थे, हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से देख रहे हैं कितना अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबू आ रही थी इस रेसिपी के अंदर से। मतलब मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसे इसी स्टेज पर निकाल के खा लूँ, लेकिन फिर भी मुझे अब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी थी, वो है यहाँ पे ये है हमारा फ्रेश क्रीम और उसके अंदर डाला है मैंने ग्रेट करके पनीर। तो ये मेरी एड ऑन है, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, पर मैंने ऐड किया था, मुझे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया। ये मैंने क्यों ऐड किया था, क्योंकि मेरे पास पड़ा था थोड़ा सा क्रीम पड़ा था और थोड़ा सा पनीर पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी में उसका यूज कर ले। पर मैंने वो करके बहुत अच्छा किया क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसका भी, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐसे ही ऐड किया था पर ये फ्लेवरफुल हो गया था इससे और ज्यादा। और अब मैं इसे दोबारा से कवर कर दूंगी, 1-2 मिनट के लिए करना है। वैसे हमारी रेसिपी पूरी तरीके से बन के तैयार है और ये देखिए 1-2 मिनट के अंदर ही वाओ बहुत ही अच्छी लग रही थी ये रेसिपी, जस्ट अमेजिंग। देखो अपनी चीज़ सबको पसंद आती है, पर मैं सीरियसली बोलूँ तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपको ये 110% सजेस्ट करूँगी। अगर आप ये पार्टी फंक्शन में बनाएंगे अपने घर में तो सब आपको ना वाह वाह करते ही रह जाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मतलब मज़ा आया हो आज की रेसिपी में और बनाएंगे तो टेस्टफुल भी लगेगी, तो अगर लगे टेस्टफुल और अगर आप बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और न्यू रेसिपीज़ के साथ, साथ के साथ अपनी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।